हेलो दोस्तों, मैं आप लोग बीच में एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो में 5G कैप्सूल लेकर आया हूँ, यानी कि इतने दिन मैंने 4G का प्रचार किया, अब 5G लेकर आया हूँ। इस वीडियो में 5G के बारे में बताने वाला हूँ कि 5G कैप्सूल कैसे यूज किया जाएगा और कैसे इसका रिजल्ट है और कैसे इसका रिस्पॉन्स रहेगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें और जुड़े वीडियो के इन तक, ताकि मेरे चैनल की कोई बातें आप लोगों से मिस ना हो। अब चलते हैं वीडियो की तरफ, क्योंकि मैं 5G कैप्सूल लेकर आया हूँ। इस कैप्सूल का इतना ही पावरफुल कैप्सूल है, यदि आप यूज कर रहे हैं तो आपको काफ़ी से काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। यह कैप्सूल जो मार्केट में आया बहुत ही परफेक्ट कैप्सूल, इस कैप्सूल का नाम 5G है, यानी कि विटामिन किंग 5G। यह कैप्सूल जो है, इसमें मल्टीविटामिन मिनरल्स यानी कि फोलिक एसिड, लाइकोपिन, ऐसे कई से फार्मूले मिश्र करके यह कैप्सूल बनाया गया है। इस कैप्सूल का सेवन आप यदि आप कर रहे हैं तो इस कैप्सूल का सेवन के साथ साथ आपको दूध का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। और इस कैप्सूल का खास बात यह है, यदि आपके शरीर में कोई चिड़चिड़ापन हो या फिर कोई ऐसी समस्या हो, जो पेट भी नहीं सही रहा हो, आपको मानसिक तनाव हो या फिर कोई ऐसी साइड इफेक्ट यानी कोई ऐसी समस्या है, तो उस समस्या में आप इस कैप्सूल का सेवन दिन में एक बार शाम के टाइम सोते समय ले सकते हैं, वो भी दूध के साथ। और इस कैप्सूल का खास बात यह है कि इस कैप्सूल में आपको लेडीज और जेंट्स दोनों भी उपयोग कर सकते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि आप 5G जल्द ही मार्केट में आया है और हर एक मेडिकल स्टोर पे अवेलेबल है। और इस कैप्सूल का खास बात यह है कि यदि आप इस कैप्सूल का सेवन कर रहे हैं तो आपको भूख भी अच्छी खासी लगेगी, फिर कमजोरी भी दूर होगी, आप जो खून की कमी यानी हीमोग्लोबिन, आयरन की कमी, उसका भी ये पूर्ति करेगा। इसमें मल्टीविटामिन मिनरल्स, ऐसे बहुत से फार्मूले हैं जो आपको देखने को मिलेगा। उसमें एक खास बात है, इसमें मिथाइकोबालामीन का भी मिश्रण है। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि यह कैप्सूल रिजल्ट नहीं कर रहा, तो एक बार आप यूज करके ज़रूर देखें और इसका रिस्पॉन्स बहुत ही आपको ज़बरदस्त देखने को मिलेगा। यदि आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो मेरे को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा